हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ब्लाउज के बैक में डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये ब्लैक कपड़े से मैंने डिज़ाइन बनाया है, इस पे मैंने ये मोती चिपकाए हुए हैं ऊपर से। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, पास ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नए वीडियो अपलोड करते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो हम ये पीछे का बैक पीस है, इसमें हम गला बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कैनवास लिया है, उसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। ये फोल्ड करने के बाद मैं एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ। अब इस पर हम जितना बड़ा गला बनाना है उसका नाप लगाएंगे। तो मैं ऊपर से 2.5 ले रही हूँ। मैंने 5.5 इंच के शोल्डर रखे हैं ब्लाउज में, जिसमें मैं 2.5 का गला बना रही हूँ, क्योंकि ये डीप नेक है। 2.5 का शोल्डर लेने पर गला लेंगे हम तो वो गिरेगा नहीं। नीचे से 9 लिया है, जो मेन गला है इसमें वो 9 इंच का बना रही हूँ मैं। नीचे से मैंने 3 लिया है, ये देखिए नीचे से मैंने 3 लिया है, जिससे नीचे से थोड़ा ब्रॉड रहेगा और इसका शेप अच्छा आएगा। इसे हम मिला देते हैं। ये मिलाने के बाद मैं इसे राउंड कर दूंगी। ऊपर से हम 2.5 इंच का शोल्डर, जब हम 5.5 इंच के शोल्डर लेते हैं तो उसमें मैंने 2.5 इंच का गला लिया है, जिससे ये बनने के बाद भी गिरेगा नहीं, शोल्डर डाउन नहीं होंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं पूरे में। इतनी चौड़ी पट्टी का पैच मैं लगाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने 1.5 इंच का निशान लगा के इसे हम मिला के नीचे आके शेप दे देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से इसे शेप दे दिया है। ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये बीच के गले की कटिंग कर दी है और ये इसका हम पेच लगाएंगे। इसकी ये शेप की मैं काट लेती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। इसका हम पेच इस पे लगाएंगे बैक पीस पे। इसे हम अब मैं काले कपड़े पर रख के इसे अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने इसे अटैच किया है। ब्लैक कपड़े का पैचवर्क लगाना है तो ब्लैक कपड़ा मैंने लिया है, उसके ऊपर मैं इसे पेन से रख के, जिससे कि ये बिल्कुल भी सरकेगा नहीं, पेन से मैंने इसे अटैच कर लिया है। हमें ध्यान रखना है कि ये ऊपर से ज़्यादा चौड़ा नहीं हो, एकदम एक सा बैठाना है। इसे हम नाप भी लेते हैं ऊपर से। ये देखिए ये 5.5 है, 5.5 इंच का गला है ऊपर से ये। हाँ, अब हम इसे मोड़ते हुए बड़े टांके से 1 बूट की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि वो सिलाई हम बाद में निकाल लेंगे। ये देखिए मैं 1 बूट पे सिलाई लगा रही हूँ। नीचे से हमें इसमें जो शेप दी है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो नोक बिल्कुल ठीक से बने। बड़े टांके की सिलाई हम इसलिए लगाते हैं जिससे वो बाद में आसानी से निकल जाती है। ये देखिए मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देती हूँ। ये देखिए इसकी मैंने पिन भी निकाल दूंगी अब, क्योंकि ये कपड़े से अटैच हो चुका है। ऊपर से भी एक सा कर लें आप। ये पैचवर्क लगाने के लिए तैयार है। इसमें कोई झोल नहीं आनी चाहिए, हम कपड़ा लगाएं तब ध्यान रखें। अब ये ब्लाउज का बैक पीस है, इसका मैं एक सेंटर पॉइंट लूंगी। ये मैंने थोड़ा सा कट का निशान लगाया है, जिससे हमें बीच का निशान पता चल जाएगा। अब हम जो मैंने ये कपड़ा बनाया है कैनवास लगा के, इसका भी हम एक सेंटर पॉइंट लेंगे। अब मैं इसे ब्लाउज पर पीछे की साइड से रखूंगी। और इसमें जो मैंने बड़े टांके की सिलाई लगाई थी उसमें मैंने छोटे छोटे कट लगा लूंगी, जिससे बाद में निकालने में आसानी रहेगी। यहाँ ये सेंटर पॉइंट पे आप चाहें तो एक स्केल से लाइन भी खींच सकते हैं, जिससे वो नीचे तक दिखेगा।
ये देखिए, इन दोनों को बिल्कुल मैच करके रखना है और इसे पिन से अटैच कर लेना है। आप चाहें तो इसमें बीच में एक सिलाई भी लगा सकती हैं। ये देखिए, मैंने पिन से अटैच कर लिया है। अब हम इस पर राउंड में एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये राउंड में सिलाई लग रही है। अब हम इसका बीच में जो कपड़ा है उसे हम काट के निकाल लेंगे। अब इसमें चारों तरफ बारीक बारीक कट लगाएंगे जिससे अच्छे से फोल्ड हो जाएगा आगे की साइड। ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इसे आगे की साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। थोड़ा प्रेस करते हुए अपन इसे बाहर लाएंगे। ये पूरा कंप्लीट बाहर निकल चुका है। अब हम इसमें बाहर की साइड से एक पाइपिंग लगाएंगे। इसके ऊपर एक ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ जिससे अच्छे से दब जाए। इसमें अंदर कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अंदर कट लगाने से ये बाहर की साइड कोई झोल नहीं आती है और अच्छे से आ जाता है। ये मैंने ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा दी है जिससे ये बिल्कुल अच्छे से दब गया है। अब मैं इसमें ये पाइपिंग बाहर की साइड से लगा रही हूँ। आप इसमें और भी किसी कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं जो आपके कपड़े में डिज़ाइन हो। मैं इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ। ये देखिए, पाइपिंग आप अगर हाथ से भी बनाएं तो हमेशा और भी कपड़े की बनाएं जिससे वो आसानी से कर्व हो जाती है। ये डोरी वाली पाइपिंग है। ये देखिए, इसमें ये बाहर की साइड से ये पाइपिंग लगने वाली है। ये बाहर की साइड से पाइपिंग पूरी लग चुकी है। अब इसमें जो हमने बड़े टांके की सिलाई लगाई थी, आप उस सिलाई को निकाल लें, इसलिए हम उसमें पीछे कट लगा देते हैं। ये रेडीमेड पाइपिंग है, इसमें इस साइड से कोई भी धागा नहीं निकलता है, इसलिए हम इसे ऊपर से कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए, जो बीच का जो गला है उसमें मैं इसे लगा रही हूँ। ये बहुत आसानी से कर्व होती है। ये देखिए, ये बहुत इजी गला है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें सिर्फ पाइपिंग से डिज़ाइन बनाया है और इसमें मैंने ये ऊपर से शो बटन चिपका दिए हैं और इस तरह ये कंप्लीट तैयार है। खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत जल्दी आसानी से बनने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।